अभी हम लोगों ने बात की कि 1808 में जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन जो कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि सारे के सारे पदार्थ कुछ मूल कणों से मिलके बनते हैं, एटम से मिलके बनते हैं, और एटम सबसे छोटी इकाई है। इसे और अधिक छोटे भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। एटम इज़ इनडिविजिबल, परमाणु अविभाज्य होता है। करीब करीब 100 साल के बाद, तब तक बहुत सारे परिवर्तन हो चुके थे, 1904 में एक और भौतिक विज्ञानी जे जे थॉमसन ने एक प्रयोग किया, और यह प्रयोग इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद हुआ था, 1904 में हुआ था। यहाँ याद रखना होगा कि तब तक परमाणु के नाभिक की खोज नहीं हुई थी, केवल यह ज्ञात था कि परमाणु उदासीन होता है और परमाणु में ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। थॉमसन ने यह कहा कि परमाणु एक ठोस गोला है, छोटा गोला है, एक ठोस गोला है, और इसकी त्रिज्या केवल और केवल 10^-10 meters है। द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 10^-10 meters। देयरफोर यू कैन अज्यूम दैट इट इज वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल। और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश का मान पूरे एटम में समान रूप से वितरित होता है, और इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। देयरफोर द एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम आप जानते हैं कि बेर को कहते हैं, बेर जैसे कुछ और फल होते हैं। और पुडिंग खाने की वस्तु है, आप सारे लोग जानते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन तरबूज, इस मॉडल का नाम दिया गया। तरबूज आपने देखा होगा कि खाने वाले हिस्से में, गुदेदार वाले हिस्से में यहाँ वहाँ बीज पड़े होते हैं, वो घूमते नहीं हैं लेकिन पड़े होते हैं, जिनको हम लोग निकालते हैं जब तरबूज खाते हैं। तो गर्मियों का दिन है, आप लोग खा ही रहे होंगे। तो अगर 2-3 बातें बतानी हो या याद रखनी हो जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, एटॉमिक थ्योरी ऑफ जे जे थॉमसन, द मेन पॉइंट्स, कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि उनका संपूर्ण आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। परमाणु में उपस्थित धनावेश तथा ऋणावेश परिमाण में, मतलब मात्रा में समान होते हैं, और इसीलिए जो कुल आवेश है वह आवेश शून्य होता है। और जैसा कि आपने सुना कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग में या तरबूज के फल में जिस तरह से बीज विद्यमान होते हैं तरबूज के खाने वाले भाग में, तो उसी तरह इस गुदेदार हिस्से में धनावेश उपस्थित होता है। तो थॉमसन के इस परमाणु मॉडल के आधार पे ताप आयनिक उत्सर्जन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव तथा आयनन की कुछ सीमा तक अच्छी व्याख्या हुई, लेकिन कुछ कमियां भी समझ में आईं। कौन सी कमियां हैं ये? सबसे पहली तो कमी यही है कि इससे अल्फा प्रकीर्णन की बात नहीं होती है, अल्फा प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं होती है।
और यह भी नहीं बताया गया है कि धनात्मक आवेश जो होता है वह किस प्रकार से ऋणात्मक आवेश को बांधे रखता है। इन्होंने धनात्मक आवेश की बात की, कैथोड रेस की बात पहले ही हो चुकी है, नेगेटिव चार्ज की बात पहले हो चुकी है, लेकिन धनात्मक आवेश किस प्रकार से ऋणात्मक कणों को बांधे रहता है इसकी व्याख्या जे.जे. थॉमसन ने नहीं की। परमाणु के स्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बताया कि परमाणु एटम इसकी स्टेबिलिटी का क्या होगा। अगर कुछ बल नहीं रहेगा तो पहली बात तो यह है कि परमाणु बनेगा नहीं, तत्व बनेगा नहीं, पदार्थ बनेगा नहीं, और अगर किसी तरह से बना भी तो वह बिखर जाएगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो परमाणु के स्थायित्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और जैसा कि आपने पहले सुना कि इस समय तक नाभिक की खोज नहीं हुई थी, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाय दैट टाइम, एंड इवन जे.जे. थॉमसन डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। थॉमसन ने नाभिक के बारे में भी कुछ नहीं बताया। और इस तरह से हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी भी व्याख्या थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जे.जे. थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं करता है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं करता है। तो आपने जॉन डाल्टन को सुना और जे.जे. थॉमसन को सुना, दो बातें याद रखेंगे कि यह प्रयोग 1904 में हुआ था। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, और इस वक्त तक न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। अब अगले मॉडल की बात करते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड।